हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वाइवर सीरीज 2017 रिजल्ट प्रेडिक्शन पार्ट 2। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज 2017 के बड़े मैच यानी 5.5 मैन एलिमिनेशन मैच के प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों इस 5.5 एलिमिनेशन मैच में दोनों ही ब्रांडों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। दोस्तों, जिस वजह से दोनों ही ब्रांडों ने अपने अपने ब्रांड के 5 सबसे जबरदस्त सुपरस्टार को इस टीम में जगह दी है। दोस्तों, अगर जबरदस्त सुपरस्टार की बात करें तो दोस्तों ब्रॉन स्टोमन और जॉन सीना अपने अपने टीमों के सबसे जबरदस्त सुपरस्टार हैं। तो दोस्तों, अगर इन दोनों ही प्लेयर को WWE किसी भी प्लेयर से नॉर्मली पिन कराएगी तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये बात WWE यूनिवर्स को सही और अच्छी नहीं लगेगी। जिस वजह से दोस्तों इस मैच में हमें बहुत सारे इंटरफेयर देखने को मिल सकते हैं दोनों ही ब्रांडों की तरफ से। दोस्तों, बात करें इंटरफेयर की तो दोस्तों इंटरफेयर किसी भी दूसरे प्लेयर का इस मैच में डिफाइन करेगी कि इस मैच में कौन सी टीम जीतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बात सीधी या शॉर्टकट में बताऊं तो दोस्तों वो ब्रांड हो चाहे रॉ या फिर स्मैकडाउन, दोस्तों दोनों ही ब्रांड हैं WWE के, और दोस्तों WWE दोनों ही ब्रांडों में से किसी भी अपने एक ब्रांड को हल्का नहीं दिखाना चाहेगी। तो दोस्तों ये बात तो अब जाहिर ही हो गई है दोस्तों कि दोनों ही ब्रांडों में से, चाहे वो रॉ हो या फिर स्मैकडाउन, दोनों ही ब्रांडों में से अगर कोई भी जीतता है तो उसकी सीधी जीत इसमें नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अगर कोई भी ब्रांड जीतता है तो उसमें जाहिर सी बात है किसी अगले प्लेयर का इंटरफेयर होगा जिससे वो टीम हारेगी और दूसरी टीम जीतेगी, जिस वजह से दोस्तों दोनों ही टीमों का अपना दबदबा बना रहेगा कि दोनों ही टीम बहुत ताकतवर हैं और दोनों ही ब्रांड नंबर एक हैं। अगर दोस्तों इस मैच की रिजल्ट पूरा और पूरा डिपेंड करती है केवल इंटरफेयर के ऊपर, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर का इंटरफेयर हमें देखने को मिल सकता है दोनों ही ब्रांडों के बीच में। उसके बाद फिर दोस्तों मैं अंत में बताऊंगा कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है कि इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं रॉ ब्रांड से किस किस प्लेयर का हमें इंटरफेयर देखने को मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहला है केन का इंटरफेयर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, ब्रॉन स्टोमन और केन के बीच में पिछली रात यानी रॉ में हमें बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिला था जिसमें ब्रॉन स्टोमन ने केन को उठाकर रिंग के बीचों बीच पटक दिया। दोस्तों वहां से ब्रॉन तो निकल गए बट वहां से केन नहीं निकल पाए। तो दोस्तों उम्मीद लगाई जा सकती है केन वहां पे आए और अपना बदला ले ब्रॉन स्टोमन से और एलिमिनेट कर देंगे ब्रॉन स्टोमन को, क्योंकि दोस्तों अगर जॉन सीना के अलावा टीम स्मैकडाउन का कोई भी मेंबर ब्रॉन स्टोमन को एलिमिनेट करता है तो दोस्तों ये बात लोगों को हजम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ब्रॉन स्टोमन कैसे सुपरस्टार हैं ये बात हम सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बटिव और धमाकेदार। तो दोस्तों ये देखने को मिल सकता है कि रिंग के बीचों बीच से केन फाड़ के निकलें और उसके बाद एलिमिनेट कर दें ब्रॉन स्ट्रोमन को। तो दूसरा इंटरफेयर है ब्रे वाइट का। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, ब्रे वाइट और केन का मैच दोनों ही इस बार की सर्वाइवर सीरीज में बुक नहीं हुआ है और दोनों ही बड़े प्लेयर हैं, तो दोस्तों ये दोनों ही प्लेयर अपनी बड़ी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस सर्वाइवर सीरीज में अपना इंटरफेयर करके। हाँ दोस्तों, ब्रे वाइट का इंटरफेयर होगा और वो इस बार एलिमिनेट कर देंगे फिन बैलर को। दोस्तों जैसा कि जानते हैं, फिन बैलर और ब्रे वाइट वाला फ्यूड अंत हुआ भी नहीं था, तो दोस्तों यहाँ एलिमिनेट करके अपना बचा कुचा हिसाब किताब भी बराबर कर देंगे ब्रे वाइट इस बार। दोस्तों बात करें तीसरे इंटरफेयर की, तो दोस्तों तीसरा इंटरफेयर हमें जेसन जॉर्डन की तरफ से देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने इसके पहले रॉ में देखा, जेसन जॉर्डन की चोटिल हो जाने के कारण कर्ट टैंगल ने उन्हें टीम को निकाल दिया, तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि जेसन जॉर्डन आके अपने पापा यानी कर्ट टैंगल पे अटैक करें और उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिले बाप और बेटे के बीच में गजब की फ्यूड, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि वो ट्रिपल एच के ऊपर अटैक करें जिसके बाद हमें जेसन जॉर्डन ट्रिपल एच और कर्ट टैंगल बीच में गजब की फ्यूड देखने को मिले। दोस्तों बात करें फोर्थ इंटरप्शन के बारे में, तो दोस्तों फोर्थ इंटरप्शन हमें द शील्ड की तरफ से दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, WWE यूनिवर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है द शील्ड का मैन न्यू डेज के साथ में देख के, क्योंकि दोस्तों WWE में सब जानते हैं द न्यू डेज कैसे हैं द शील्ड के सामने एकदम पानी। तो दोस्तों WWE यूनिवर्स को इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों WWE यूनिवर्स हमेशा से चाहती थी द शील्ड को पुराने तरीके से देखना, जैसे वो हर मैच में आके डिस्ट्रक्शन मचा देते थे। तो दोस्तों WWE ये कर सकती है इस मैच में द शील्ड को ला के और धमाका मचा दे और लोग फिर वही पुराने शील्ड को देखें। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो पक्का है जीतेगी तो रॉ ही। तो दोस्तों ये थे चार इंटरप्शन जो कि हमें देखने को मिल सकता है ब्रांड रॉ के तरफ से। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरप्शन के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकता है टीम स्मैकडाउन लाइव की तरफ से। दोस्तों इस स्मैकडाउन लाइव की बात करें तो दोस्तों इस स्मैकडाउन लाइव की तरफ से पहला इंटरप्शन हमें रैंडी ऑर्टन के रूप में दिखाई पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि रैंडी ऑर्टन इस मैच में उतरेंगे तो इस स्मैकडाउन लाइव की तरफ से, बट थोड़ी देर बाद वो हील में टर्न होंगे और वो हो जाएंगे रॉ ब्रांड की तरफ से। हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो स्मैकडाउन का इसका बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो स्मैकडाउन लाइव की तरफ से एक प्लेयर कम नहीं होगा दोस्तों, बल्कि रॉ के टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी आ जाएगा। दोस्तों स्मैकडाउन लाइव की तरफ से हमें अगला इंटरफेयर सैमी जेन और केविन ओवंस के रूप में दिखाई पड़ सकता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, सैमी ज़ेन और केविन ओवंस दोनों को ही टीम स्मैकडाउन में जगह नहीं मिली। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है शेन मैकमैन, रैंडी ऑर्टन और शिंसुके नाकामुरा। तो दोस्तों ये हो सकता है ये दोनों ही प्लेयर इस मैच में आज शिंसुके नाकामुरा, रैंडी ऑर्टन और स्पेशली शेन मैकमैन को तबीयत से बजा दें दोस्तों, जिसकी वजह से टीम स्मैकडाउन को इसका भारी झटका लगेगा और टीम स्मैकडाउन इस मैच को हार जाएगी। दोस्तों तो ये थे दो इंटरफेयर जो कि हमें देखने को मिल सकता है आने वाले सर्वाइवर सीरीज में टीम स्मैकडाउन की तरफ से। तो दोस्तों चलिए अब सीधा बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी तक के वीडियो में आप जान गए होंगे कि दोनों ही टीमों के बीच में हमें गजब गजब का इंटरफेयर देखने को मिलेगा। बट दोस्तों बात करें अगर मेरे बारे में, तो दोस्तों मैं अपनी राय अगर आपको दूं तो दोस्तों इस मैच में मेरे ख्याल से टीम रॉ जीत जाएगी। भले ही दोस्तों ढेर सारे इंटरफेयर देखने को मिले हैं टीम रॉ की तरफ से, स्मैकडाउन की तरफ से मुझे जो इंटरफेयर दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़े और बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि ऐसा जरूर होगा। तो दोस्तों मैं प्रेडिक्ट करूंगा टीम रॉ को कि इस मैच में टीम रॉ जीतेगी। दोस्तों मैं बता दूं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेडिक्शन होती है, दोस्तों आपकी भी कोई अलग प्रेडिक्शन होगी कि कैसे कोई टीम जीतेगी और क्यों जीतेगी। तो दोस्तों मैं कमेंट के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई टीम, दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम इसमें जीतेगी और क्यों जीतेगी। दोस्तों अगर हो सकेगा तो रीजन भी लिख दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जानता हूँ आज की वीडियो की जो वॉइस क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा खराब है यार, लाइक करने वाला वीडियो आज का बिल्कुल भी नहीं है, बट यार क्या बताएं, गले में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यार दोस्तों नए लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अब आपको ऐसी वॉइस क्वालिटी नहीं मिलेगी, इससे भी ज़बरदस्त मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर वॉचिंग, थैंक यू।